नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के तीन सबसे शातिर चोरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। वैसे तो दुनिया में न जाने कितने चोर हैं और उनमें से कई चोर काफ़ी मूर्ख भी हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी चोर हैं जो बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं तीन शातिर और ख़तरनाक चोरों के बारे में बात करूँगा, तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, नंबर एक पे आते हैं आंद्रे स्टैंडर। आंद्रे को 31 साल की उम्र में आपराधिक तहकीकात विभाग साउथ अफ्रीका के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। पुलिस बनकर उन्होंने सीखा कि अपराधी किस प्रकार चोरियां और अपराध करते हैं। 1977 में आंद्रे ने और चोर बनने का फैसला किया और वो रूप बदलने में माहिर था। वो हर लंच ब्रेक के दौरान बैंक लूटता और उसी की तहकीकात करने के लिए वहाँ पहुँच जाता था। दोस्तों, नंबर दो पे आते हैं लियोनार्डो नोट्रा बाटोलो। लियोनार्डो को एंटवर्फ वर्ल्ड डायमंड की चोरी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी के नाम से जाना जाता है, जो 100 मिलियन के डायमंड्स की थी। इस चोरी की सबसे अजीब बात यह है कि लियोनार्डो ने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया था। दोस्तों, नंबर तीन पे आती है द वैक्यूम गैंग। फ्रांस की इस गैंग का चोरी करने का तरीका सबसे अलग था और ये गैंग सिर्फ सुपरमार्केट को ही लूटती थी। इस गैंग ने सबसे पहले मोनोप्रिक्स नामक सुपरमार्केट को लूटा था। दोस्तों, इस गैंग को वैक्यूम गैंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैंग सुपरमार्केट की तिजोरियों में छेद करके वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारे पैसे बाहर खींच लेती थी और अपने चोरी के काम को अंजाम देती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।